हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी में जो सीपीटी या फिर स्किल टेस्ट होने जा रहा है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड इसके अलावा ऑफिशियली जो इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आप देख पाओगे, स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएलई 2020 के लिए जो आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा 4th ऑफ अगस्त 2022 को एंड 5th ऑफ अगस्त 2022 को होगा। दिस स्किल टेस्ट कॉम्प्रेसेस ऑफ 3 मॉड्यूल्स, तो यहां पर 3 मॉड्यूल्स में आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले यहां पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, उसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर जनरेशन ऑफ स्लाइड्स उसे आप कहोगे एमएस पावर पॉइंट में होगा एंड उसके बाद में स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने काफी सारे क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया हुआ है, उन सारे वीडियोज को आपको देख लेना है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पर आपको मुझे मैसेज कर देना है ताकि सारे वीडियोज के लिंक एंड जो भी कोर्स होगा वो मैं आपको सेंड कर सकूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा जो बुक होगी उसे भी डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फॉर अ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए अ मास्टर टेक्स्ट या फिर पैसेज जिसे आप कहोगे वो दिया जाएगा। 2000 की डिप्रेशन विल बी गिवन, तो 2000 की डिप्रेशन आपको दिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी 15 मिनट्स, तो ये जो टेस्ट होगी वो 15 मिनट का टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड में आपको आ जाना है एंड यहाँ पर आप देख पाओगे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका होगा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे इसके लिए आपको कैंडिडेट्स विल बी गिवन 10 मिनट फॉर मॉक या फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। फिर 3 मिनट का ब्रेक आपका होगा, उसके बाद में 15 मिनट आपको फिर से दिए जाएंगे जो कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा एंड उसके बाद में 3 मिनट आपको सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अलग से दिए जाएंगे। तो जो पेपर या फिर मॉड्यूल होगा वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट कहलाएगा। 15 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होने जा रहा है। कैंडिडेट्स जो इलिजिबल है जिनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा उनको 5 मिनट का यहाँ पर कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट में जो टाइपिंग पैसेज होगा विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका होने जा रहा है एंड जो कीबोर्ड होगा वो इंग्लिश US कीबोर्ड आपको सिलेक्ट करना है जो कि डिफॉल्ट कीबोर्ड भी यहाँ पर होगा। द मास्टर पैसेज फॉर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट विल अपियर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन में आपका ये एग्जामिनेशन होने जा रहा है। अगर आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है तो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। अगर आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी है तब भी आपको मुझे अगर कुछ भी कमेंट्स होंगे, आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आपको मुझे पूछ लेना है। इसके रिगार्डिंग और एक वीडियो आएगी जिसमें किस तरीके का आपका एसएससी सीजीएल में डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, किस तरीके से यहाँ पर आपके फुल मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक होगी उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में अपलोड की जाएगी, अगर आपके मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो जल्द से जल्द वीडियो यहां पर अपलोड हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं डेटा एंट्री स्किल टेस्ट की तो यहां पर 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहां पर होगा, उसके बाद में टेस्ट इन पावर पॉइंट ऑन एमएस पावर पॉइंट में आपका होगा, टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स या फिर एमएस एक्सेल में यहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा। आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हो यहां पर आप देख पाओगे एनए अगर आपका टाइप किया हुआ होगा परीक्षा का माध्यम के नीचे आप देख पाओगे एनए, यहां पर भी एनए टाइप किया गया है एंड यहां पर भी एनए टाइप किया गया है। तो अगर आपका भी एनए होगा तो यानी होगा नॉन अप्लीकेबल, तो आप यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो यानी जिन पोस्ट के लिए सीपीटी मांगा गया है उन पोस्ट के लिए आप यहाँ पर इलिजिबल नहीं हो। तो आप जो इलिजिबल हो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए वो टैक्स असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए आप इलिजिबल हो, इसलिए आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो बाकी के रिमेनिंग पोस्ट होगी उसके लिए जो प्रोफेशनसी टेस्ट यहाँ पर होगी तो उनको यहाँ पर प्रोफेशनसी टेस्ट यहाँ पर देना होगा। नीचे आप देख पाओगे किस तरीके का आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा उस बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये पीडीएफ आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है, मोर देन 300 पेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तकरीबन 350 पेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मोर देन 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एमएस पावर पॉइंट के, एमएस एक्सेल के एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एमएस वर्ड के भी होंगे। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है तो आपकी जितनी हेल्प हो सके मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं आपको एडमिट कार्ड जरूर से डाउनलोड यहाँ पर कर लेना है। जो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको 2000 की डिप्रेशन के साथ में यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। प्रिंटआउट आपको देना, उस बारे में आपको जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो वहाँ पर दी जाएगी। कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट जो होगा, जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एमएस ऑफिस का, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड हायर वर्जन, तो आपको यहाँ पर
पर 2010 का वर्जन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रीवियसली जितने भी यहाँ पर एग्जामिनेशन होते थे तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 वर्जन में ही होते थे, इस बार यहाँ पर हायर वर्जन भी टाइप किया गया, तो हो सकता है 2010 के अबव यहाँ पर आपको जो एमएस ऑफिस का वर्जन है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर मॉड्यूल्स के बारे में भी दिया गया है जिसमें एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, तो सारे वीडियोस आपको देख लेना है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।